सुल्तानपुर में इस वक्त वोटिंग चल रही है और कुछ ही देर पहले मेनका गांधी इसी बूथ पे आई थी। हमारे साथ मोनू सिंह हैं। कहा जाता है कि आप ही के समर्थक के साथ उनकी झड़प हुई, किस बात को लेकर उन्हें ऐसी कहा, कौन सा बवाल हुआ, कहाँ पे है वो जबरदस्ती चिल्ला रही, झड़प उझड़प हुआ क्या? आप भी यहाँ घूम रहे, कहीं हुआ बताइए। उनको ऐसा लग रहा है कि जानबूझ के यहाँ डिस्टर्ब करें, क्योंकि हमारा अपना गांव है, सारे लोग यहाँ के सब हमारे अपने परिवार की तरह, जानबूझ से यहाँ के वोट न पड़े इसलिए अपना डिस्टर्ब कर रही है, और कोई बात नहीं है। नाम लेके बुला रहे, बार बार SDM से बात कर रही है, पुलिस से बात कर रही है, ये कह रहे हैं कि आपको कोई परेशान तो नहीं कर रहा है? आप भी तो घूम रहे हैं, कोई कहने लग रहा है आपको? आप खुद मीडिया के बताइए, कहीं अंदर जाके देख लीजिए, कहीं किसी कोई दिक्कत हो तो, क्योंकि जिस तरह से बदतमीजी करें अच्छी बात थोड़ो है। तो आपके समर्थक भी तो पीछे नहीं हटे, तो यहाँ आके बदतमीजी करेंगे तो कौन पीछे हटेगा? क्या क्या बोल रहे थे? हम तो थे ही नहीं, हम तो अभी आ रहे हैं। हम तो नाम लेके बुला रही थी कि दिक्कत इधर आओ, जो गाड़ी के पास आओ, उसके बाद पुलिस को कहीं की उसको मतलब दौड़ाओ, वो भर्ती ये चीज़ है, और जबकि वो लाइन में लगा था वोट देने की। आप वरुण गांधी ने कहा कि सोनू और मोनू हमारे जूते बांध देते, क्या मतलब हुआ है? यही जनता जूता मारी उनके मुंह पे, यही वोट देके जूता उनके मुंह पे मारी है। गलत कह रहे हैं, वो तो खुद चोर हैं। आप कॉन्फिडेंट हैं अपनी जीत को लेकर? 100% 100%। यानी कि आपने देखा कि मोनू सिंह ने कहा कि इस पूरे इलाके में महागठबंधन के प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित है, और उसको डिस्टर्ब करने की मेनका गांधी लगातार कोशिश कर रहे हैं। कैमरा पर्सन संजय सिंह के साथ अरुण कुमार, सुल्तानपुर न्यूज़ 24।